सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं आयुष। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार गोरखपुर के पत्रकारिता को आयाम देने वाले कुंदन उपाध्याय जी। कुंदन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुंदन जी, सबसे पहला सवाल है, कश्मीर में धारा 370 हट गया, राहुल गांधी का बयान आया है कि विपक्ष को एक साथ नहीं ली सरकार, इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष उस लायक था ही नहीं उसको साथ लिया जाए। जी, यदि उस लायक विपक्ष रहा होता तो 370 तो बहुत पहले से ही खत्म हो जाना चाहिए था। जो आज उस जो इसमें आकर के यह कह रहे हैं कि 370 के लिए राहुल जी तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उनको बयान देने का नौबत ही नहीं आना चाहिए था। कश्मीर मसले को पाकिस्तान यूएनए में लेके जा रहा है, हाँ, और राहुल गांधी के बयान को यूएनए में उठा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये देश के लिए किस तरह की बात है? देश के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। राहुल जी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जो उनके पूर्वजों ने कर गए हैं उसी को किसी तरह से मैनेज कर करके, चाहे वो सरकार हो चाहे राजनीतिक लोग हो, किसी से भी इस तरह का बयान राहुल जी को देना ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा दे रहे हैं तो हमारा देश नरक में जा रहा है। कल कुंदन जी, अयोध्या में एक घटना घटी, एक निशानेबाज है वर्तिका सिंह, वो इकबाल जो मुस्लिम पक्षकार हैं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं, उनके घर पहुँचती है और उनको एक थप्पड़ जड़ती है, वो इकबाल अंसारी का मतलब आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अंसारी साहब को सोचना चाहिए। यदि वो खिलाड़ी ये कह रही है कि यह मुझे पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं, उस पर वो थप्पड़ मारती है, देखिए उस थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था जी। वो तो बहुत गलत काम किए, लेकिन उसको इस देश में रहना है और वो पाकिस्तान का यदि नारा लगा रहा है तो उससे गंदा व्यक्ति, वो स्वयं को आतंकवादी है। ऐसे व्यक्ति को देश में रहने की जरूरत नहीं है। जो खाएंगे देश का और नारा देंगे पाकिस्तान का। वो खिलाड़ी ने जो काम किया है वो ठीक किया है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, इस समय मंदी का दौर चल रहा है, मनमोहन सिंह ने 3 साल पहले जब नोटबंदी का समय आया था उन्होंने कहा नोटबंदी ठीक है लेकिन इसका कारगर उपाय होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? आपको नहीं लगता 3 साल बाद वो असर दिखने लगा है? देखिए, मनमोहन जी बड़े खिलाड़ियों में से हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। दो बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको सब नॉलेज तो है ही है। उनको ये पता था कि काले धन को सफ़ेद करने के लिए मोदी जी ये काम करेंगे, और जब ऐसे काम मोदी जी ने उठाया तो मंदी का दौर तो आएगा ही। क्योंकि चोरी उन लोगों ने किया था, उनको ये पता था कि नोटबंदी होगी तो मंदी आएगा, लेकिन सरकार निरंतर काम कर रही है मंदी से उभरने के लिए, वो बहुत सारे काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी उसे उभर जाएंगे। आपको नहीं लगता राष्ट्रवाद के नाम पर युवा बेरोजगार हो रहे हैं? मुद्दा राष्ट्रवाद का है, बेरोजगारी है, रोजगार मिल नहीं रहा है, हाँ, मंदी का दौर है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी दर घट रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चूंकि ये देश एकदम खाई में जा चुका था जी, अब उसको उभारने के लिए नए नए टेक्निकल आ रहे हैं, सारी कंपनियां आ रही हैं, सारी युवाओं के लिए आ रही हैं। गोरखपुर में एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, गीड़ा हो गया, ये सारे चीज़ उद्योग लग रहे हैं ना, तो इसमें युवाओं को नौकरी मिलना ही है। कुंदन जी, खास खबर से बात करेंगे, धन्यवाद। थैंक यू।